हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी रमजान टी20 ट्रॉफी की फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर मिड ईस्ट मेटल्स वर्सेस फ्लाई एमिरेट्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे शारजा रमजान टी20 भी चल रही है और उसके साथ साथ IPL हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल यहाँ पर मिजोरम टी20 शुरू होने वाला है, उसके मैचेस के भी सारे वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो यहीं पर मिलने वाले, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बात करें इस मैच की, तो यह मैच रात को 10:30 पर ICC अकेडमी ग्राउंड नंबर 2 दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहां से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, काफी जबरदस्त रन बनते हैं, मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है यहां पर 200 के आंकड़े भी कभी भी पार हो सकते हैं, तो रन भी यहां से जबरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड मैंने यहाँ पर 150 के प्लस मैंने किया हुआ मेंशन, लेकिन ऐसे 200 के पार भी आंकड़ा जा सकता है। सेमीफाइनल मैच है तो दोनों ही टीम के बीच में टक्कर अच्छी रहेगी। 24 मैचेस खेले गए जिसमें से 18 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है, तो कहीं ना कहीं चेजिंग करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर चेज करना पसंद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं मिड ईस्ट मेटल्स की, चार मैच खेली, तीन मैच जीती, एक मैच हारी। ओपनिंग में वगास अहमद खान और खुर्रम ख्वाजा दोनों ने ओपनिंग करवाया। अभी इंपोर्टेंस की बात करें तो दोनों ही इंपोर्टेंस रहेंगे। ये भाई साहब आपको दिखेंगे बैटिंग सेक्शन से और ये भाई साहब दिखेंगे आपको ऑलराउंडर सेक्शन से। बैटिंग से यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे खुर्रम ख्वाजा पिछली दोनों मैच के अंदर, तो इनको लेके जाएंगे। बाकी सॉरी यहाँ पर वकास अहमद खान पिछली दोनों मैच के बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे, तो इनको लेके जा रहे हैं। बाकी खुर्रम ख्वाजा की बात करें तो अभी तक आपको जितने भी मैचेस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, वहाँ यहाँ पर आपको दिखेगी और यहाँ पर भी जितने भी मैचेस दिखाई दे रही है, सारी की सारी मैच के अंदर हमारे कप्तान खुर्रम ख्वाजा ही रहे। लास्ट मैच के अंदर भी हमारे कप्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन आगे भी इस मैच के लिए भी कैप्टन मेरे यहाँ पर खुर्रम ख्वाजा ही रहेंगे। काफ़ी भरोसा है मुझे और लगभग हर एक मैच के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे ही देते हैं, तो खुर्रम ख्वाजा हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी फैजान अवान वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये भी आज से बैटिंग से जबरदस्त फॉर्म में, 83 की है, 60 की है और 41 की है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ऐसे फैजान अवान लेके जाएंगे। आसिफ खान की बात करें तो आसिफ खान देखो वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर और मेरा भरोसा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं इनको कई बार इनको कैप्टन वाइस कैप्टन से भी कर चुका हूँ, यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मेरे ये यहाँ पर हमेशा बेस्ट चॉइस रहते हैं। और लास्ट मैच के 54 की है और आगे भी आप लोग इनसे बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, इवन यहाँ पर सेंचुरी तक लगा सकते हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार इन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है, तो ऐसे आसिफ खान के ऊपर भरोसा कर सकते हो। लास्ट मैच के रहते पहले तो हमारी टीम के अंदर थे और आगे हम लोग इनके ऊपर एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क भी ले सकते हैं। रशीद हबीबुल्ला खान ओके ओके रहेंगे, इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करिएगा। बाकी अली अनवर को आप लोग ट्राई कर सकते हो, अली अनवर क्योंकि आपको दिखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाले, 29 रन की, इसके पहले भी इन्होंने 14 रन किए थे, 1 विकेट निकाला था, तो इंपोर्टेंस रहेंगे, यहाँ से लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ट्रंप कार्ड रहा जार मोहम्मद, जो कि अभी तक सारी मैच के अंदर हमारी टीम के अंदर रहा और यहाँ से बैटिंग से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 32-63 और यहाँ पर 21 जैसे स्कोर किए, तो जैसे जार मोहम्मद को लेके जाना। इनके अलावा से तेहरान खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन इंपॉर्टेंस रहेगा, यहाँ से टॉप में मैंने लगभग सारे प्लेयर्स को लेके जाने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ से देखो इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे, तो एक से एक तो खुर्रम ख्वाजा है, फैजान अवान है, आसिफ खान है, अली अनवर है, इन चारों प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। बाकी आप लोग यहाँ से जार मोहम्मद और यहाँ से किसको ले सकते हैं, यहाँ से वकास अहमद खान, इन दोनों को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही आपको बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे। तेहरान खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, यहाँ से हजरत बिलाल को आप लोग लेके जा सकते हैं, 2-2 विकेट निकाले अभी तक जहाँ पर ही उन्होंने विकेट निकाली है, और ये बंदा यहाँ से इसका ऐसा ही है, ओवर्स जब भी करवाता है तब विकेट जरूर निकालता है, और आप लोग इनको एज अ प्लेयर तो लेके जाएंगे, इवन जो लोग रिस्क ले सकते हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। मुस्तफा आयूब को एज अ डिफरेंशियल में लेके जा सकते हो, लास्ट मैच के अंदर विकेट ले चला, लेकिन इसके पहले 3 मैच के अंदर लगातार इन्होंने एक एक विकेट निकाली थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, यहाँ से अगर आप लेना चाहते हो तो इनको ले सकते।
सकते हो। कैसर रिस्की रहेंगे तो इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे। स्टार्टिंग मैच पर तेहरान खान, राशिद हबीबुल्ला खान, डेथ वॉच में पर हजरत बिलाल और मुस्तफ़ा आयूब। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर दी जाएगी और स्क्वाड काफ़ी बड़ा है तो अपडेट भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। यहाँ से बात करते हैं फ्लाई एमिरेट्स की। चार मैच खेली, दो मैच जीती, दो मैच हारी। ओपनिंग में यशिता अबेकुन और इरफान आरिफ दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। इंपोर्टेंस की बात करो तो ऐसे अबेकुन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा और इरफान आरिफ को एज अ डिफरेंस रोल में लेके जा सकते हो। इस टूर्नामेंट के अंदर ऐसे 19-20-22 जैसे ठीक ठाक स्कोर किए तो अगर कोई चॉइस है तो ट्राई कर सकते हो। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से दमित जयसूर्या दिखेंगे। ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है, रेगुलर ओपनर खेलने वाला प्लेयर है। पहली मैच जब खेले थे तब बैटिंग नहीं आई, दूसरे मैच के अंदर 4 रन किए। ओवरऑल 16 मैच के अंदर करीबन 31 के एवरेज से 483 रन है। भरोसा कर सकते हो, कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनके अलावा से कृष्णा चंद्रन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है। अभी तक 3 मैचेस खेले गए, तीनों ही मैच के अंदर हमारे वाइस कैप्टन रहे, क्योंकि कैप्टन के लिए भी हमारे पास आगे चॉइस है। यहाँ से बात करते हैं कृष्णा कुमार रामाकृष्णन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, एज अ प्लेयर यहाँ से लेके जाना है। मोहसिन खान रिस्की, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। इनके अलावा यहाँ से वजाहत रसूल, अभी तक 4 मैचेस खेले गए, चारों ही मैच के अंदर हमारे कैप्टन रहे यहाँ से वजाहत रसूल। परफॉर्मेंस देख सकते हो, 18 रन के साथ एक विकेट, 54 रन किए, यहाँ पर 16 रन के साथ 2 विकेट निकाले और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाले। तो ऐसे वजाहत रसूल एक बार फिर से आपके लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके अलावा ऐसे उमर शाह ओके रहेंगे, शाहीन अली, ये दोनों ही मैच के अंदर हमारे लिए ट्रंप कार्ड रहा, क्योंकि दोनों ही मैच के अंदर 2 और 3 विकेट निकाली और इनका सिलेक्शन बहुत कम था। दिखेंगे आपको बॉलिंग सेक्शन से, विकेट टेकर गेंदबाज है, लेके जाना है। 2 बार हमको 1-sided विनिंग करवा चुके हैं और आगे भी हम लोग ऐसे इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। शाहीन अली के साथ पहली मैच के अंदर 2 विकेट निकाली, दूसरी मैच के अंदर 3 विकेट निकाली। और बात करें ऐसे अमीन मिफलाल की, अमीन मिफलाल भी ऐसे पहली मैच के अंदर विकेट ले रहे, लेकिन इसके बाद 3 मैच के अंदर लगातार विकेट्स भी निकाल रहे, इवन एक बार ऐसे इन्होंने 4 विकेट निकाली। तो ऐसे आप लोग चाहो तो इस प्लेयर को लेके जा सकते हैं। बाकी उबेदुल्ला भी ऐसे जब भी विकेट निकालते तब 2 विकेट निकालते, लेकिन इनका क्या है, एक मैच के अंदर नहीं चलते तो फिर 2 विकेट निकाल लेते, फिर नहीं चलते फिर यहाँ पर 2 विकेट निकाल लेते हैं, तो अगली मैच यहाँ से 0 विकेट वाली है। तो लॉजिकली अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हो। बाकी मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा इन तीनों प्लेयर को आप लोग लेके जाओ। बाकी देख लेते हैं कि किस तरह से टीम बन रही है, उसके बेसिस पर हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग में इन तीनों ही बॉलर्स का परफॉर्मेंस अभी तक का काफ़ी अच्छा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों में से कम यहाँ पर 1 या 2 गेंदबाज को तो जरूर यहाँ से, इन तीनों में से 1 या 2 को तो जरूर लेके जाना है। स्टार्टिंग में ऐसे मोहम्मद उबैदुल्ला और यहाँ पर शाहीन अली, डेथ वॉच में यहाँ पर कृष्णा चंद्रन और यहाँ पर कृष्णा चंद्रन, मतलब यहाँ से कृष्णा कुमार रामाकृष्णन है और कृष्णा चंद्रन के साथ यहाँ से लास्ट मैच के अंदर आई थिंक ऐसे उबैदुल्ला जी आए थे, यहाँ से उबैदुल्ला आए थे और इनके अलावा डेथ में आए थे उबैदुल्ला को किया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी हो गया, यहाँ से शायद यहाँ पर उबैदुल्ला या शाहीन अली दोनों में से किसी एक ने डेथ हो उसमें गेंदबाजी की थी और इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टार्ट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अपन विकेट कीपिंग सेक्शन के, तो दमित जयसूर्या को हम लोग लेंगे, बाकी कोई भी प्लेयर लास्ट मैच खेला ही नहीं है तो इसके लिए एक ही चॉइस बचता है तो इसको ही लेके जाएंगे। बाकी बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर कृष्णा चंद्रन कराटे, इनके साथ ऐसे आसिफ खान और फैजान अमान को लिया है। बाकी आप लोग आसिफ खान और फैजान अमान की जगह पर ऐसे वकास अहमद खान और जार मोहम्मद, इन दोनों प्लेयर को आप लोग ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर कृष्णा कुमार रामाकृष्णन है, अली अनवर है और इनके साथ ऐसे कुर्रम ख्वाजा के साथ तेहरान खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी यहाँ पर कोई खास रिस्क लेने की जरूरत है नहीं किसी प्लेयर के ऊपर। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हजरत बिलाल है, इनके साथ ऐसे वजाहत रसूल है और इनके साथ ऐसे शाहीन अली हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आप लोग मिफलाल को ट्राई कर सकते हैं, उबैदुल्ला को ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन से मैंने 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए, वकास अहमद खान, जार मोहम्मद, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, इन दोनों प्लेयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। और इनके अलावा टीम की बात करते हैं तो टीम को जिस तरह से रहेगी हमारी कि कप्तान रहेंगे, मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया कि कौन से कैप्टन हमारे रहने वाले हैं। कैप्टन हमारे यहाँ से खुर्रम ख्वाजा ही रहेंगे, वाइस कैप्टन ऐसे कृष्ण चंद्रन कराटे रहने वाले हैं। इनके अलावा अदर चॉइस आसिफ खान बेस्ट है। ऑप्शन की बात करूँ तो ये बंदा सेमीफाइनल फाइनल वगैरह में हमेशा धमाल मचाता है, कहर मचाता है अपने नाम का, तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे कृष्णा कुमार रामाचंद्रन है और बाकी बेस्ट ऑप्शन है ऐसे वजाहत रसूल। तो ये 2-3 प्लेयर है जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो कर सकते हो।
बाकी हमारी टीम कुछ इसी तरह से ही रहेगी। याद रहे ये जो टीम है ये डेमो टीम है। फाइनल आपको कहाँ पर मिलेगी? तो फाइनल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पूरा वीडियो देखना। अच्छे से एनालिसिस करके अच्छी अच्छी टीम बना के अच्छी विनिंग करते रहना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।